वेलकम, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हो अवेकिन आकाश। बहुत सारे जन मुझसे पूछते हैं कि ग्रुप फ़ोटो हम कैसे एडिट करें, सेलिब्रिटी जैसे मतलब ग्रुप फ़ोटो कैसे एडिट करें। जैसे सेलिब्रिटी लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ग्रुप फ़ोटो डालते हैं तो उनके फ़ोटो इतने अच्छे क्यों दिखते हैं और हमारे फ़ोटो मतलब उतने अच्छे नहीं दिख पाते। मैं आपको बताऊँगा लाइटरूम से हम कैसे ग्रुप फ़ोटो एकदम अच्छे एडिट कर सकते हैं सेलिब्रिटी जैसे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ़ोटो पहले इंपोर्ट किया मैंने गैलरी से, अभी ऑटो कर दिया, खुद लाइटरूम अपने हिसाब से एडजस्ट किया उसने, अभी एक्सपोजर हम लोग अपने हिसाब से बढ़ाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया और कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा बढ़ा दिया और हाईलाइट कम कर दिया, शेडो कम कर दिया थोड़ा, और वाइट अगर पिको करना है तो वाइट मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, ब्लैक थोड़ा सा कम कर दिया बाई टेम्परेचर की। तो पिक में टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया 7 तक, और टिंट थोड़ा बढ़ा दिया, वाइब्रेंस बढ़ा दिया, और सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया 6 कर दिया। अब बारी है कलर की, मिक्स में जाके कलर से पहला जो कलर होता है हमारे लिप्स का होता है जैसे रेड, तो लिप्स का कलर सही करना है। अब देख सकते हो लिप्स के कलर चेंज हो रहे हैं, डार्क इससे हो गए एकदम सेचुरेट हो गए, तो अभी मैंने थोड़ा सा रखा है, थोड़ा सा लूनेस बढ़ाया, तो लिप्स के कलर एकदम परफेक्ट हो गए। जो सेकंड कलर होता है हमारे स्किन का होता है, आप देख सकते हो स्किन कलर चेंज हो रहा है, तो स्किन का कलर एकदम अच्छा करते हैं, ल्यूमिनेंस बढ़ा देते हैं थोड़ा, तो इससे स्किन हमारी फेयर हो जाएगी थोड़ी। थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, और सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा दिया, और ह्यू थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो अभी स्किन हमारी देख सकते हो आप कितनी अच्छी लग रही है, पहले कैसी थी और अभी देखो कैसी अच्छी लग रही है कि नहीं। भी येलो कलर बैकग्राउंड में येलो कलर है, और आपको अगर दिखाना नहीं है बैकग्राउंड ज़्यादा चेंज नहीं करना तो इतना मत करो चेंज, हल्का सा सैचुरेशन कम कर दो, ल्यूमिनेंस बढ़ा दो तो इतना पता नहीं चलेगा, या फिर सैचुरेशन बढ़ा भी सकते हो तो मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा। ग्रीन भी है बैकग्राउंड में तो ग्रीन कलर का सैचुरेशन बढ़ा दिया मैंने थोड़ा, अच्छा लगे आपको जैसा लगे कि पिक अच्छा लग रहा है। और ब्लू स्काई ब्लू देखो चेंज हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में, इधर आप देख सकते हो स्काई ब्लू कलर पहना है उसमें। तो इतना आप छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए आपको, अगर आप नॉर्मली ग्रुप फोटो अच्छा दिखाना है और बिना एडिट किए लगना चाहिए सेलिब्रिटी जैसा तो आप ऐसा कर सकते हो। आगे मैं बताता हूँ अभी टेक्स्चर हमेशा कम करने का, और क्लैरिटी थोड़ा बढ़ाने का, और डीहेस बढ़ा देने का, विजेट कम करने से अपने पिक में सिनेमेटिक लुक आ जाता है, तो विजेट में -12 करता हूँ इस पिक के लिए, एकदम बाप लग रही है कि नहीं पिक, पहले देखो कैसे थी और अभी देखो। और स्प्लिट टोन इसमें अगर आपको कलर थोड़ा सा और दिखाना है अच्छा, थोड़ा सा स्प्लिट टोन में एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो पहले कैसे थे अभी कैसे, अच्छी लग रही है कि नहीं। और पिक को भी शार्प कर दिया हम लोग, शार्पनेस बढ़ा दिया मैंने, डिटेल फुल मतलब फुल नहीं की थोड़ी बढ़ा दी है ताकि पिक ऐसा लगे भी नहीं एडिट किया है कुछ ज़्यादा, नॉइस रिडक्शन बढ़ा रहा हूँ, डिटेल थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, नॉइस रिडक्शन क्या पिक स्मूथ लगेगी अपनी, स्मूथनेस का अलग से ऑप्शन दिया रहता है, पिक ऐसे भी पहले से स्मूथ जितना नहीं कर रहा हूँ कुछ, तो देख सकते हो आप पहले कैसे थी और अभी कैसे चेंज आ रहा है कि ना, अभी की पिक बाप लग रही है एकदम बहुत मस्त लग रही है। तो ऐसे ही आप मतलब ग्रुप फोटो डालोगे इंस्टाग्राम में तो सब सोचेंगे कि भाई इसने तो DSLR से पिक लिए, बड़े पिक लिए होते कैमरे से ही, तो ऐसे आप एक से एक फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो ग्रुप फोटो आप लो, और ऐसे मैंने जैसे आपको बताया ट्यूटोरियल में वैसे आप एडिट करो, आप को ज़रूर सब पूछेंगे कि कैसे एडिट किए फ़ोटो या कैसे पिक ली। तो आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, और मेरे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, ऐसे एक से एक फ़ोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल लाऊंगा मैं आपको। तो थैंक यू देखने के लिए, सो सी यू नेक्स्ट, बाय बाय।